गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल देवटर व्लॉग्स। दोस्तों एक बार फिर आ चुका हूँ मैं कमलेश मूर्तिकार के यहाँ, और आपको कुछ व्लॉग में मैंने दिखाया था कि इस प्रकार से मूर्तियाँ मेकिंग का काम होता है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ फाइनल स्टेज में मूर्तियाँ किस प्रकार बन रही है और कलर कैसे रहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर शेर पेंट हो रहा है। आपको पिछले व्लॉग में मैं दिखाया था कि मूर्तियाँ घसिंग हो रही थी, व्हाइटिंग हो रहा था। देखिए शेर, और उसके बाद दोस्तों वाइटिंग किया जाता है, वाइट मारा जाता है प्राइमर। उसके बाद प्राइमर के बाद देखिए फिर कलर किया जाता है इस प्रकार से। अभी भी ये शेर बचा है, थोड़ा सा पेंटिंग के लिए आँख वाँख खुलना है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अधिकतर मूर्तियाँ चली गई है, देख सकते हो आँख वगैरह खुल चुका है। साड़ी वगैरह पहनाना बचा है, देखिए पूरी पेंटिंग लगभग हो गई है, देख सकते हो आँख वगैरह खुल चुकी है। बस साड़ी पहनाना, काफ़ी खूबसूरत लगेगी देखना। ये देखिए साड़ियाँ पहनने के बाद देखो दोस्तों माता जी किस प्रकार से खूबसूरत लगती है। बहुत बेहतरीन मूर्ति है, देखिए ये देखिए क्या खूबसूरत मूर्ति बनी है। मैं आपको दिखाया था कि पिछले व्लॉगों में कि देखिए गणेश भगवान है, देखिए छोटे से, और यहाँ पर शेर, काफ़ी खूबसूरत शेर बनाया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर, देखिए दोस्तों काफ़ी सुंदर शेर बनाया गया, बहुत ही सुंदर शेर है, देख सकते हो। ये देखिए हमारे गणेश भगवान जी, ये देखिए माता जी, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई। पर एक और मूर्ति है दोस्तों, देखिए हमारे पेंटर भाई यहाँ पर थोड़ा सा पेंट वगैरह कर रहे हैं, देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है दोस्तों, फाइनल स्टेज में है, आँख वगैरह खुल रहा है, लगभग खुल ही गया है। फिर माता जी को कपड़ा वड़ा पहनाना है, उसके बाद ये भी मूर्ति दोस्तों रेडी है जाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर है कलर, दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से कलर है। ये देखिए यहाँ पर ब्रश वगैरह है और कलर है, इसी सब माता जी को आँख को खोला जाता है। और कुछ कलर और भी होते हैं, देख सकते हो आप। ये देखिए काफ़ी सुंदर कलर है दोस्तों। ये देखो ये हमारे जीवन भाई हैं, आँख यही खोलते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आँख खो रहे हैं। लोग सब काम कर रहे हैं, देख सकते हो। ये देखिए और केवल एक ही मूर्ति बची है, देखिए यहाँ पर थर्मो कटिंग किया जा रहा है और यहाँ पर एक मूर्ति बची है।